अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां ॾिसो पिया कुकिंग शो में, त सभु ख़ैरियत सां हूंदा ऐं जेका रमज़ान जी रेसिपीज़ ठाहियूं पिया तव्हांजी फरमाइश जे मुताबिक़ तमामु मज़ेदार रेसिपी सां गॾु। अॼु मां ठाहियां पियो मिर्ची रोल। मिर्ची रोल तमामु मज़ेदार हूंदा आहिनि। जर्मन मिर्च, जेका वॾी मिर्च हूंदी आहे सिंधी में, लाइ छा चइबो आहे हुनखे, फिकी हूंदी आहे, लेकिन में मसालो भरे जीअं फ्राई कबो आहे, त मां हिन में कीमो चिकन जो भरंदमि, ठीकु आहे। ऐं रोल पट्टी जेको मां तव्हांखे ठाहिणु सेखारी समोसनि जी, हुनजे मथां वेड़े ऐं हिनखे फ्राई कबो आहे। मिर्ची रोल हिनखे चइबो आहे, ॾाढे मज़ेदार। चटणियूं मां तव्हांखे काफ़ी सारियूं ठाहिणु सेखारियूं, त हुन सां गॾु हिनखे सर्व कजो, फ्रीज़ बि करे सघो था हिन मिर्चनि खे, ठीकु आहे। ऐं हुन सां गॾु सेकेंड रेसिपी जेको ठाहियूं पिया उहो आहे दही बड़ा, सॉरी दही फुलकियूं। दही बड़ा तव्हांखे ठाहिणु सेखारिया, हिकु मिठी दही फुलकी ठाहिणु सेखारी। अॼु मां रायते वारी दही फुलकी ठाहियां पियो, इहा बि ॾाढी मज़ेदार थींदी आहे। थोरो मथां खां दाग ॾिबो, अञा मज़ेदार ज़ाइको थी वेंदो। छाकाणि त दही जो इस्तेमालु असां गर्मी में ज़्यादा कंदा आहियूं, त अहिड़ा खाधा, अहिड़ी शयूं ठाहियो जंहिंमें दही जो इस्तेमालु थिए। उहो बि ॾही रोज़ु खाईंदा कयो सेहरी में, ख़ासिकर जीअं गर्मी इलाही आहे कराची वारनि जे लाइ। त ख़ैर हींअर हालति एॾी ख़राबु आहे की हद खां ज़्यादा हिते गर्मी आहे, समंड जी हवाऊं बंदि थियल आहिनि, त हिते त बसि हाल ई बुरो आहे। बाक़ी इहा आहे की रेसिपीज़ तमामु सुठियूं आहिनि तव्हांजे लाइ। जेका तव्हांजी फरमाइशूं उहो बि पूरियूं कंदासीं, ख़ासि बिरयानी आहे, कोफ्ता आहिनि, इहे बि मां 10 रोज़े खां पोइ खाधनि ते ईंदासीं। हींअर मां कोशिशि कयां पियो की ड्रिंक्स ऐं हिन टाइप जो ईज़ी रेसिपीज़ जेको रमज़ान में सभिनी खे सुठियूं लॻंदियूं दस्तखान खे, उहो ठाहिणु सेखारियां। त रेसिपी नोट कजो, सुबुह जो ख़ाली पिया घणे 12 बजे आहे रिपीट। हलो, सुबुह जो 12 बजे मूंखे ॿुधायो की 12 खां 1, सुभाणे ॾिसजो 12 खां 1 रिपीट हले पियो, ठीकु आहे। स्टार्ट थी वियो रिपीट हलणु, मूंखे ख़बर न हुई, त 12 वॻे रिपीट ॾिसजो इहो प्रोग्राम सुबुह जो ई, 12 खां 1 हलंदो, ठीकु आहे। ऐं का शइ सम्झ न अचे ते स्क्रीन ते नंबर हले पियो, कॉल करे पुछी सघो था। आज की जो हम रेसिपी बना रहे मिर्ची रोल, मिर्चें जो जर्मन मिर्च हर जगह सब्ज़ी वालों के पास अवेलेबल है वो लें। उसके अंदर चिकन का कीमा स्टफ़ करेंगे आप, बीफ मटन भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो समोसे की पट्टी होती है उसको फोल्ड करके रोल करके उसको डीप फ्राई किया जाता है। ये आप स्टोर भी कर सकते हैं, मीन्स के आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। सारा तरीका बताऊँगा। और सुबह 12 बजे रिपीट चलता है, आप सुबह 12 बजे रिपीट देख सकती हैं। अगर लाइट का इशू है ना देख सकें तो रिपीट देख सकती हैं। बाकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉल करके पूछ सकते हैं। और जो रेसिपीज़ अब हम बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है मिर्ची रोल, इसको आपने देखना है और इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। क्योंकि जर्मन मिर्च अगर नहीं है तो बड़ी वाली मिर्ची ले लें, लेकिन उसके बीज निकालने पड़ते हैं। उसके बीज निकालने के बाद पानी में, इसका नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, जो जर्मन मिर्च, ये जर्मन मिर्च मैं दिखा दूँ, ठीक है, ये बड़ी वाली जर्मन मिर्च होती है। अगर ये नहीं है तो मोटी वाली जो मिर्च मिलती है इससे छोटे साइज़ की, उसको कट लगाएं, उसके बीज निकाल दें छुरी की नोक से या उल्टा चम्मच करके उसके बीज निकाल दें। उसके बाद पानी में सिरका डाल दें, 1 गिलास पानी में या तो सिरका डाल दें 1 खाने का चम्मच, या लेमन जूस डाल दें, उसमें डिप करके रखें, ठीक है, 15 मिनट। उससे क्या होगा, उसकी जो तेज़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उसको ड्राई करके उसके अंदर आप मसाला भर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो जर्मन मिर्च है ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जर्मन मिर्च है, वे साइज़ है, फिक्का हूँ इन, फिलिंग जला हूँ इन, स्टफ़ थो इनमें कीमो या पटाटा भी ठाहिण सेखारींदासीं जे अंदरि पटाटनि जो मिक्सचर, उहो बि इनशाला ठाहींदासीं 2 ॾींहनि में। इहे अगरि नथा मिलनि त पोइ वॾा वारा जेका मिर्च सभिनी खां वॾे साइज़ में ॾिसजो सावा मिर्च मिलनि, हुनखे कट लॻाइण खां पोइ, तव्हां हुनखे छा कंदो, पाणी में पिसाए रखिजो। पहिरीं हुनजा ॿिज कटिजो छुरी जी नोक सां, उभतो करी थोरो कंदो त छुरी जी नोक सां जा सॼा ॿिज निकिरी ईंदा। पोइ हुनखे 1 प्याली पाणी में, 1 गिलास पाणी में 1 खाइण जो चमचो अछो सिरको या लीमे जो रस विझी मिर्च हुनमें ॿोड़े छॾिजो। 15 मिंट पयूं हूंदियूं, हुनखां पोइ कढी निपोड़े चङी तरह पाणी जो कढी, टिशू सां या कपिड़े सां हुनखे साफ़ करे, हुनखां पोइ तव्हांजो प्रोसेस इहो कंदो, पोइ हुनजो जेका तेज़ी हूंदी आहे मिर्च जी उहो घटि थी वेंदी, ठीकु आहे। लेकिन हीअ जर्मन मिर्च सां गॾु ठही बि आहे रेसिपी, त मां जर्मन मिर्च सां स्टार्ट कयां। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, चिकन लेनी है 1.5 पाव, ठीक है। मिर्च ये हैं 10 अदद, 10 मिर्च आहिनि। अगरि घटि करणु चाहियो, इहे अहिड़ा हूंदा आहिनि मिर्च के माण्हू 2, जीअं रोल असां खाईंदा आहियूं, समोसा 2 खाई वेंदा आहियूं, 2 रोल खाई वेंदा आहियूं, त ईअं 2 मिर्च बि तव्हां 3 खाई सघो था, ॾाढे मज़ेदार हूंदा आहिनि। हिन में को तेज़ी नथी हुजे, त इहे 10 ठाहियां पियो, जीअं 5 अफ़राद आहिनि त 2 हिसाब सां रखो, 1-1 बि करे सघो था। ऐं जॾहिं फ्रीज़ कंदो हिनखे, फ्रीज़ करण खां पोइ जॾहिं तव्हांखे हिनखे डीप फ्राई करण लाइ कढिणो हूंदो, त 5 खां 8 मिंट पहिरीं कढिजो, वधीक हिनखे नरम न कजो, छो की मिर्च जॾहिं फ्रीज़ थी वेंदी आहे साई भाॼी, हू पाणी झलंदी आहे, ठीकु आहे, हुनजे मथां कोटिंग अची थी वञे बर्फ़ जी। हुनखां पोइ हिनखे कढी बसि 5 खां 8 मिंट हिनखे ॿाहिरि रखिजो, हुनखां पोइ फौरन हिनखे डीप फ्राई करे वठिजो, तेज़, इलाही तेज़ धूं वारो ऑयल न हुजे, नॉर्मल तेज़ ऑयल में हिनखे फ्राई कजो, डीप फ्राई करे कढी वठिजो, ठीकु आहे। जॾहिं कलर अची वञे त तयारु थी वेंदो, ठीकु आहे। इसका फ्रीज़ करण का तरीक़ा ही बता रहा हूँ कि जब इसको आप फ्रीज़ करेंगी तो हरी मिर्च या इस तरह की जो हरे सब्ज़ियाँ होती हैं उसको हम फ्रीज़ करते हैं तो वो बिल्कुल पानी बर्फ़ पकड़ लेती है, उसके बाद जब हम निकालते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल मुरझा जाती है वो सब्ज़ी,
तो इसलिए इसको आपने क्या करना है, जर्मन मिर्च अगर आप फ्रीज करके रखती हैं तो आपने निकालना है सिर्फ 5 से 6 मिनट, आपने 8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको बाहर रखना है। उसके बाद फ़ौरन इसको गर्म ऑयल में डीप फ्राई करें तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी, इसका वैसे ही कलर आएगा। अगर आपने आधा घंटा रखा तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर वो जब आप ऑयल में डालेंगी तो बिल्कुल वो फटना शुरू हो जाती है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा हाँ, हिते हिकड़ो फ्राइंग पैन खड़ू था, ठीक है, फ्राइंग पैन में छा कंदासीं पानी जो खुश करे फ्राइंग पैन में, हिन में असां विझंदासीं कुकिंग ऑयल, ठीक है। कुकिंग ऑयल में हितां कढ़ाई में ही खणी थो वठां, थोड़ो सो कुकिंग ऑयल खणंदासीं, ठीक है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करना है हमने, 3 से 4 खाने के चम्मच, 3 खाने के चम्मच बहुत है, वरना फिर वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। 3 से 4 खाने के चम्मच 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ठीक है, 4 खाने जा चम्मच, हाँ 4 खाने जा चम्मच कुकिंग ऑयल गरम कयो। चिकन आहे बॉनलेस सीने जो पीस खणी वठो, 1.5 पाव जेतिरो या 1 पाव जेतिरो, जेतिरो तव्हांखे ईज़ीली इहे मिली वेंदी, बॉनलेस बूटीन वारी हॾी जे बग़ैर बूटियूं, ठीक आहे, इहो विझंदासीं फ्राई कंदासीं। यहाँ पे मैंने बॉनलेस चिकन ले लिया, ठीक है, इसको हमने करना है स्टर फ्राई। 1.5 पाव है ये तकरीबन, 125 ग्राम 150 ग्राम होगा या 1.5 पाव होगा, इस तरह ये होगा, ठीक है। 1.5 पाव तो तकरीबन 350-350 ग्राम के करीब हो जाता है, ये मुझे 1.5 पाव नहीं लग रहा, 1 पाव ही होगा, 1 पाव कर लें क्योंकि इसमें प्याज भी जाएगा। तो इसको हमने करना है फ्राई, ठीक है, इनके थोड़ो सो ये फ्राई कयो 1 मिनट ताकि जो कलर चेंज थे, पोइ इनमें मसाला विझंदासीं, ठीक है। हे मिर्च जे अंदर भरण वारी चिकन ठाहियां पियो, ठीक है, पोइ इनखे पीसबो बाद में, जीअं असां कबाब जो मसालो पीसंदा आहियूं हिन तरीक़े सां इनखे पीसे पोइ मिर्च जे अंदरि भरिबो। अच्छा, बीफ ऐं मटन अगरि करणु चाहियो था त हुनखे बॉयल करे छॾिजो, ठीकु आहे, बीफ जी बूटियूं, गोश्त जी बूटी जेका आहे उहो पहिरीं बॉयल करे सफ़ा बॉयल करे छॾिजो अदरक थूम जे पेस्ट सां गॾु, ठीकु आहे। अगरि 1 पाव 1.5 पाव बूटियूं खणो पिया, हुन में 1 खाइण जो चमचो अदरक थूम जो पेस्ट या सिर्फ़ थूम जो पेस्ट विझी हुनखे बॉयल एतिरे पाणी सां कजो कि जो पाणी खुश्क थी वञे। हुन खां पोइ हुनखे पीसे हुन जे अंदरि मसाला विझी हुनखे थोरो सो फ्राई कंदासीं हिन तरीक़े सां, ठीकु आहे, बूटियूं बॉयल जेको हूंदी हुनखे पोइ तव्हां फ्राई कंदो, ठीक है। जब हम बीफ या मटन में ही बनाते हैं गोश्त के साथ बनाएंगी तो फिर आपने क्या करना है, गोश्त की बोटियाँ छोटी छोटी ले लें या फिर कीमा ले लें, उसको थोड़े से पानी के साथ आपने बॉयल कर लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डाल के, उससे क्या होगा वो गल जाएगा कीमा या बोटी जो है, फिर उसके बाद वो आपने उसको फ्राई करना है इसी तरह 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल लेके, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगा लहसुन का पेस्ट, हल्का करके चूल्हा बिल्कुल, इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच या अदरक लहसुन का पेस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। थूम जो पेस्ट हली वो मज़ीद इनके थोड़ो सो फ्राई कंदासीं, ऐं मां इनखे 2 मिंट कवर कयां थो, ठीक आहे, ताकि हे नरम थी वञे स्टीम में, पंहिंजी स्टीम में ही गोश्त गरी वञे। सिर्फ़ 2 मिंट इनखे बॉनलेस आहे, ठीकु आहे, चिकन कची असां फ्राई कंदासीं, अगरि गोश्त या कीमो यूज़ कयो पिया वॾे जो या बकरे जो हुनखे तव्हां बॉयल करे छॾिजो पहिरीं, हुनखे पोइ पाणी खुश करे 3 खां 4 खाइण जा चमचा ऑयल सां गॾु हुनखे फ्राई कजो, पोइ अदरक थूम जो पेस्ट जेको विझंदो बॉयलिंग में विझी छॾिजो। हिन खां पोइ हिन में अछो ज़ीरो बि विझिबो ऐं बसर वेंदी 1 गंढ, नॉर्मल कटिंग थियल आहे बसर जी, 1 दरमियाने साइज़ जी नंढी बसर खणिजो उहो विझंदासीं, ठीकु आहे। ऐं सावा मिर्च हिन में घणा वेंदा, सावा मिर्च हिन जे अंदरि विझंदासीं 2 अदद, 2 अदद हरी मिर्च। कॉल वठो था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केरे किथां ॻाल्हायो पिया? मां शबाना थी ॻाल्हायां कराची खां। जी अदी, कुझु चवणु चाहींदो? जी जी ॿुधायो। जी मूंखे इहो सुवाल पुछणो आहे त बटालो जी खिल लाहिणु घुरिजे या न, छाजे लाइ, छा में विझण लाइ, मतिलब बिरयानी में विझण जे लाइ, जीअं असां उॿारे नंढे ॿार खे खाराईंदा आहियूं। आलू चओ पिया न, बटालू आलू? जी आलू। हा, अगरि बिरयानी में विझो पिया पोइ खल न लाहींदा कयो, उहो ई उनजा पीस करे उहो ई फ्राई करे उनखे उन सां गॾु मसाले सां गॾु भुञे पोइ ठाहींदा कयो, ठीकु आहे। उनमें वधीक ज़ाइको अचे थो। नवां जेके आलू आहिनि, अगरि पुराणा आलू आहिनि त पोइ लाही छॾंदा कयो, उनजी खल छा कंदो सख़्तु हूंदी आहे पोइ। ओके, अला हाफ़िज़। ओके। अच्छा, इसको मैंने 2 मिनट कवर किया ताकि चिकन हमारी जो पानी छोड़ रही थी उसी में ये थोड़ी गल गई, ठीक आहे। जॾहिं चिकन हिते गरी वेंदी थोरी, हाणे मां हिनमें विझंदमि अछो ज़ीरो 1 चांहि जो चमचो, 1 चांहि का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है, ठीक है। इसी के साथ हमने प्याज 1 अदद और हरी मिर्च इसमें 2 अदद डाल दिए हैं, हसबे ज़रूरत हरी मिर्च जितनी आपको पसंद हो, ठीक है। 1 गंढ बसर जी,
नंढी ऑम चॉप करे विझी छॾी आहे। अछो जीरो थोरो विधो, ऑयल में विझिजो अछे जीरे खे, ताकी हिन में दाग अचे, अछे जीरे जी ख़ुशबू अचे। बसर विझी ॻाढ़ो न आहे करिणो, नरम करिणो आहे, ठीकु आहे, ज़ाइको अची वञे बसर जो। प्याज हमने ब्राउन नहीं करना है, सौगे करना है, इसमें सॉफ्ट करना है, सौते हो जाएगा प्याज, इसको हमने फ्राई करना है, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर अधे चाय के चमचे का, थोड़ी घट, छाकाणि त चिकन जी क्वांटिटी घटि आहे। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून से थोड़ी कम डाल दी। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच चली गई, क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली हुई है, ठीक है। उसके साथ नमक हाफ टी स्पून या हद की ज़रूरत, सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। और इसमें जाएगा चाट मसाला एक चाय का चम्मच, बस इनके हल्को सा फ्राई करें, चुल्हो बंद कर चला से, ठीक है। बसर बस नरम करनी है, गाढ़ी ना करनी, बसर थोड़ी सॉफ्ट थी वे ऑयल से मसालों से, ठीक है। वरी बुधा पो चिकन खाई एक का डेढ़ पा बूटियों खी वो टे खी जो चमचा ऑयल गरम कजो, उनमें चिकन विझी थोड़ी सी फ्राई कजो, अदरक थूम जो पेस्ट या थूम कुटे विझी छो एक खाणी जो चमचो, कवर के छो ब मिनट नरम थी वे, उनका तक खबर पे चिकन चार का पंद्रह मिनट में फ्राई थी। बसर विझी जो एक गण कटिंग करे, उनका गड ब अदर सावा मिर्च विधा, ठीक है, वो थोड़ो सो नरम थी वनो। हेड अध चाय के चमचे का घट कुटियल गाढ़ा मिर्च अध चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो, अछो जीरो एक चाय जो चमचो विधो, उन सा गड चाट मसालो एक चाय जो चमचो विझी इनके मां मिक्स कयो, चुल्हो बंद कर छो, इनके थदो कबो, जेस तई थोड़ो थदो थिए इनके पीसे इनके अंदर विझंदी सावा धाणा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, जो हमने स्टफ चिली बना रहे हैं, जो स्टफ करने के लिए, इसके लिए मैंने क्या लिया, चिकन ली है तकरीबन डेढ़ पाव या एक पाव अपनी चिकन लेनी है, बोटियाँ बनवा लें सॉरी बोनलेस। ऑयल गरम करें तीन खाने के चम्मच, उसमें चिकन को हल्का सा फ्राई करें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें एक खाने का चम्मच, या सिर्फ लहसुन कूट के डाल दें एक खाने का चम्मच, ठीक है। उसके बाद सौते करने के बाद आपने इसमें क्या डालना है, आपने इसमें एक अदद प्याज डालना है, पहले ज़ीरा डालें एक चाय का चम्मच, हल्का सा ज़ीरे खुशबू है, एक छोटा प्याज चार पाँच हिस्सों में कटिंग करके वो डाल दें, क्योंकि वैसे भी पिस जाएगा। दो अदद हरी मिर्चें, अगर हरी मिर्च नहीं पसंद तो ना डालें, मैंने दो डाली हैं। हल्का सा नरम किया हरी मिर्च प्याज को, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय के चम्मच से कम डालें, नमक आधा चाय का चम्मच, और चाट मसाला इसके अंदर मैंने कितना डाला है वो मैंने डाला है इसमें सॉरी चाट मसाला एक चाय का चम्मच डाल के इसको भूना है। भूनने के बाद हल्का सा भूनने के बाद इसको बंद कर दें चूल्हे को, फिर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया आधा कप जितना, ठीक है, अध कप जितना सावा धाणा विझी इनके मिक्स कंदासी, ऐं तां खे थदो करे पोइ इन जे चिली जे अंदर जेको मिर्च आहिनि उन जे अंदर भरंदासीं। ऑयल जी क्वांटिटी घटि रखिजो, ठीकु आहे। ॾाढी मज़ेदार डिश ठहंदी। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको चिकन को पीस लेते हैं चॉपर में, ठीक है, चिकन के चॉपर में विझी पीसे चलेंदासीं। इसको चॉपर में डाल के जेका भी चिकन असांजी फ्राई थियल है ये विझी थदी करे पो पीस जो, या सिल बट्टे ते उखरे मोरे में भी कुटे चबो था, ठीक है। इनके सारी डाल दें इसके अंदर। प्याज बिल्कुल नरम है, ब्राउन नहीं करना, ठीक है, वरना पके हुए प्याज का फ्लेवर आएगा, ये ऐसा आएगा जैसे समोसों का फ्लेवर होता है, उस तरह का ये फ्लेवर आएगा इसका। इनके पीसे तो प्लेट में कटना से, ठीक है, पीसे तो इनके कटना से प्लेट में, प्लेट में कटी इनके थदो कंदासी थोड़े। ये हो गया, थोड़ा सा इसके साइड हटाता हूँ ताकि जो प्याज ऊपर रह गया है वो सारा पिस जाए इसके अंदर, ठीक है। ये सजो साइड से अंदर हलाई छो, अगेन एक दफा हलाई छो, अच्छा सा ये मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है। इनके कटी वठंदासीं, इनमें लेमन जूस भी वेंदो, ठीक है, लेमन जूस इसमें जाएगा, आखिर में डालेंगे लेमन जूस। कॉल बैठो था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है फैसल भाई। खट्टे आलू की तरकीब बता दीजिएगा। खट्टे आलू में कल मैं बना रहा हूँ खट्टे आलू, अगर आप कल तक इंतजार करें तो देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा, आलू वाले में फैसल भाई थोड़ी सी बता दीगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अब ब्रेक से जब आऊंगा ना मैं इसको कर लूँ कंप्लीट, तो मैं ब्रेक से आके आपको वर्बली बता देता हूँ, ठीक है। जी जी, भूलिएगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
नहीं नहीं मैं बता दूंगा आपको। अल्लाह ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अब इसमें हमने डालना है लेमन जूस, ठीक है, ये मैं हटा दूँ, ठीक है। चॉपर में विझी या उखरी मोरी में इनके पीछे चलो या सिलबट्टे से जिए ताकि ईजी लगे, ठीक है। चॉपर में कर लें या जैसे भी आपको ईजी लगे आप इसको पीस के, फिर इसमें आपने क्या डालना है, लेमन का जूस। लेमन को अच्छी तरह नरम करके इस तरह रोल किया करें, इससे क्या होता है ईजीली इसमें से जूस निकल आता है और नरम हो जाता है। बीज हटा के लेमन जूस, इसमें पूरा एक लेमन का जूस डाल दें, ठीक है, चटपटा हो जाएगा क्योंकि चाट मसाला भी डला हुआ है। लीमे जो रस, एक अदद नंढो लीमो, जब बिज कढ़ी बिज कोड़ा थी वेंदा आहिनि, बिज कढ़ी पोइ इनखे मिक्स करे, हिन लीमे जो रस विझी मिक्स करे इनखे मिर्चनि में हाणे भरणु शुरू कयूं था, ठीकु है। इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके लेमन जूस के साथ अच्छी तरह इस तरह करके, ठीक है, ये हो गया। इसको रखते हैं साइड में, अब इसके कटिंग करते हैं मिर्चों की, ठीक है। बिल्कुल ईज़ी आए मिर्ची रोल, ऐं जीअं रोल ठहंदा आहिनि हुन तरीक़े सां, बाक़ी काफ़ी सारी अञा वैरायटी आहे मज़ेदार, तव्हांखे सेखारींदा रहंदासीं, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं, फिर मिर्च को कटिंग लगा के, अब ये जर्मन मिर्च उठाई हमने, ठीक है, हिकड़े साइड का इनके कट लगाइंदो, ठीक है, हिकड़े साइड का तव्हां कट लगाइंदो इनके, ऐं कट ईअं लॻाइणो आहे के साइड जो खुले ना। अच्छा ठीक है, मां हिकु ॿ मिर्च रखां थो, बाक़ी खे मां कट लॻाई इनजे अंदरि फिलिंग कयां थो, ठीक है। एक दो मिर्च रख दूंगा ब्रेक पे जाने वाले, बाक़ी को मैं ब्रेक के दौरान फिलिंग कर देता हूँ ताकि टाइम बचे। दो मिर्च रख दूंगा, उसकी फिलिंग मैं आपको बताऊंगा, बैठूँ ताकि शॉर्ट ब्रेक कर देने, ब्रेक का पोर कंटिन्यू करता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको हे मिर्चनि जे अंदरि कीमो भरां पियो, बिल्कुलु हिनखे हिन तरीक़े सां तव्हां भरंदा वेंदव, ठीकु आहे। हिकिड़ो कट लॻायो आहे, कट लॻाइण मां ॾेखारे थो छॾां, हे ॾिसो हिकु मिर्च खयो, हिनखे डीप कट न आहे लॻाइणो, ठीकु आहे। मिर्ची को डीप कट लॻाइणा आहे, लेकिन आर पार न हुजे छुरी, यहां से शुरू करें और बिल्कुलु एंड में ला के थोड़ा सा छोड़ दें ताकि मिर्च खुले ना पूरा, ठीक है, बस यहां तक, ताकि जब हम खोलें तो इस सब पोटली की तरह खुल जाएगा। आपने पूरा कट लगाया तो पूरा फट जाएगा मिर्च आगे तक, पर जब फ्राई करेंगे तो घी अंदर जाएगा इसमें ऑयल, ठीक है। इन तरीके से पोटली वांगुरु इनके तव्हां फिल कंदो, कट लॻाईंदो ताकि गैप छॾिणो, हुन खां पोइ तव्हांजी फिलिंग सुठी थींदी, ॿाहिर निकिरंदो न मसालो, ठीकु आहे। वॾी मिर्च हुजे नंढी मिर्च हुजे, हिन तरीक़े सां फिल थींदी। इहा हाथ से अच्छी तरह इसके अंदर भरें, अच्छी तरह इस तरह आपने डाल के फिल करना, ठीक है, हिन तरीक़े सां। ये देखें, ये देखें, इस तरह आपने फिल करना है। मसाले में ऑयल भी नहीं है, और ये ऑयल अगर होता तो ये बिल्कुल बाहर आ रहा होता ऑयल मसाले से, ठीक है। इस तरह आप कट लगाते जाएं और मिर्चों को भरते जाएं। 10 मिर्चें, ये मसाला मेरा ज़्यादा है, तकरीबन 12 से 15 मिर्चों का मसाला है, मैंने फ़िलहाल 10 भर रहा हूँ, ठीक है। आप ये मसाला समोसों के रोल में भी भर सकते हैं, चिकन समोसा जब हम बनाते हैं इसी तरह आ डेमिक्रेचर, चिकन समोसा जब आप बनाते हैं वो भी इसी तरह आप फिल कर दें चिकन समोसे के लिए, ठीक है। कॉल बैठूँ था, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदी जी कह रहे हैं, कितना गलायो प्या? अदे आऊं समीना भी गलाया। हां जी अदी। चनो मन कान पे गलाया। हां मां अदे दान इज अगेन रेसिपी लरी लिस्ट चाहिंदा आयो। थैंक यू। ये जगे मिर्ची खाए बा वे ब्लेक चाय बैठायो। जी अच्छा के ये जगे मिर्ची खाए बा दा ये चाय बैठायो। मिर्ची खाए पे अच्छा ठीक आ जी, को फरमाइश है तां जी? हां फरमाइश है जी, को अंबे ये जूस पा खायो ना। हां हां वो असे बताए जो रिपीट कराए जो जी, को कल ठायो जी। हेलो ठीक है, मैं रिपीट कराई तो उठा थोड़ी देर में, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा इस तरह आपने मिर्ची अच्छी तरह प्रेस करके भरें ताकि मिर्च पूरी फिल हो जाए, ठीक है। चंगी तरह इनके प्रेस करे ता ही भरंदा वेंदो मिर्च के ये। अच्छा खट्टे आलू की रेसिपी बता रहा हूँ, फिर मुझसे मिस ना हो जाए, फिर आप नाराज हो जाएंगी। खट्टे आलू के लिए हमने क्या करना है, आधा किलो या डेढ़ पाव अपने आलू के क्यूब्स बना के उसको बॉयल कर लेना, ठीक है। जब वो बिल्कुल गल जाएंगे, साबित रहें, टूटे ना, उनको साइड में रख दें। फिर आपने क्या करना है, हाफ कप लेने इमली का पल्प, ठीक है, गाढ़ा इमली का पल्प बना लें, हाफ कप वो साइड में रख दें। ऑयल गरम करें 3 खाने के चम्मच, ठीक है। 3 खाने के चम्मच ऑयल गरम करने के बाद आपने क्या करना है, कड़ी पत्ता 6 से 7 अदद कड़ी पत्ता उसमें डालना है। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालना है, हल्का सा सौते करना है। साबित लाल मिर्च 2 से 3 अदद डाल दें, जिस तरह उसका भगार बनता है। फिर मेथी दाना ले लें, मेथी दाना छोटे छोटे दाने होते हैं, मेथी दाना 6 से 8 डाल दें, ठीक है। जैसे उसका भगार खुशबू आएगी, इमली का पल्प डाल दें इसमें, हाफ कप इमली का पल्प डाल दिया,
उसके साथ आपने चाट मसाला उसमें डालना है 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है। फिर 1 टीस्पून आपने डालना है कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, 1 चाय का चम्मच वो डालना है। हल्दी पाउडर बिल्कुल 1/2 टीस्पून से आपने कम डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने डालना है खटाई पाउडर, जो आमचूर बोलते हैं जिसको मैंगो पाउडर मिलता है, खटाई पाउडर वो 1 चाय का चम्मच डाल देना, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह भूनना है, थोड़ी सी हरी मिर्च 1-2 काट लें उसके अंदर, ठीक है। उसको भूनने के बाद जब वो ऑयल सा घी सा उसके ऊपर आने लगेगा उसमें आपने आलू डाल देने, चाहे तो जर्दे का रंग येलो कलर भी डालते हैं जब मार्केट में मिलते हैं धुराजी में, तो येलो फूड कलर बिल्कुल 2 पिंच जितना डाल दें ताकि उसमें थोड़ा येलोइश शेड आ जाएगा आलू पर जब वो कोटिंग होगी। उसके बाद आपने जब मसाला भून जाएगा, पानी उसका ड्राई होने लगेगा मसाले का, आलू डालें, आलूओं को थोड़ा उसमें भूनें, भून के इसको दम पे लगा दें, फिर आप उसको डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डालें, ठीक है, और चाट मसाला ऊपर से थोड़ा सा डाल के उसको आप ठंडा करके थोड़ा फिर सर्व करें। वो खट्टे आलू मैं कल बनाऊंगा भी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। समझ आ गए होंगे आपको, ना समझ आए तो दोबारा मैं रिपीट करा दूंगा। वैसे कल बन रहे हैं खट्टे आलू, देखिएगा। अच्छा हे आखिरी रेजी हुआ इनके मथा पोसा फिलिंग कंदासी रोल जी, ठीक है। रोल पट्टी समोसा पट्टी जो होंगी है तक ठाइन सिखारी है मार्केट में मिले पाई वो वी इनके मथा ही फिल कंदासी चंगी तरह इनके फिल कजो। अना भी 2 मिर्चन जो मसालो 12 मिर्च इनमें आराम से भरजी वा वा हेड़ा, ठीक है। नंढा अगर भरण चाहे तो 20 का 25 थी वा। ये हो गया, बाकी जो मसाला 2 मिर्चों का बचा है वो हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। आपने इस तरह ज़्यादा मिर्चें बना दें, 12 से 15 हर जगह मिल रही हैं, और उसका आप फिर गेस्ट आते हैं अपना वैसे। अच्छा इसको आप फ्रीज़र में अगर नेक्स्ट डे दोबारा बनाएं तो आप फ्रिज में रख दें, ठीक है। फिर आप सिर्फ मिर्चें भर के फ्रिज में रख दें, रोल पट्टी के साथ कवर करके फ्रिज में भी रखेंगी तो नेक्स्ट डे बनाने के लिए आप फ्रीज ना करें उसको। हाँ इसके 2 समोसे अली भाई कह रहे हैं इसके 2 समोसे बन जाएंगे, ठीक है ठीक है। मैंने यही बताया कि समोसों की जो फिलिंग होती है चिकन की वो भी इसी तरह की होती है, लेकिन वो थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है, ये मैंने ज़्यादा बारीक कर दिया मिर्चों के हिसाब से, ठीक है। ये है समोसा पट्टी, बल्कि मिर्चों को हम प्लेट पे रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे समोसा पट्टी बनाते हैं, ठीक है। थोड़ी साइड साफ़ करी वठा ताकि समोसन की पट्टियों पोहिंजे मथा असा लगाइंदासीं। 1 अदद अंडा, ठीक है। अंडे को 1 प्याली में बीट कर लें, अंडे से बंद किया करें मैदे की वो ना किया करें कोटिंग, जो वेजिटेरियंस फैमिलीज हैं वो मैदे की कोटिंग कर लिया करें, बाकी वैसे आप लोग अंडे की कोटिंग किया करें। अंडे की कोटिंग से समोसे और रोल वगैरह बहुत अच्छे कवर हो जाते हैं और फिर टूटते भी नहीं। ऑयल गर्म कर रखूँ था गदगद, ठीक है। ऑयल जैसे यूज़ कंदा हो वो छाणे वठंदा कर थदो थी वे रात जो उनके छाणे एक दफ़ा रखी छा क्यों ठाके हुन जे अंदर को कारा करा जे पीस थी वेना उना थिन। कॉल वठु ता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदा मिसेस अली की गल है जी। मिसेस अली हां छा हाल है ता जा? बिल्कुल ठीक है ता, काम बदाय ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। रोजो के भले ता जो आदा बस हले वो लाइट शुक्र ठीक है। अच्छा हालो सु ठीक हाल है। कर लाइट कोन थी वने? हां लाइट ना पई वने, हाणे ना पई वने वाकी। जोहर जी में ना पई वने वरना इलाही अजी ता वही हुई जोहर में आदा। हां 12 बजे हां टाइम के तो वरना। हां अच्छा के मां भी जोहर में रहंदो है ना, अजी वही हुई। हाँ जी भाई 11:30 ही कहाँ 12:30 ही हाँ बस कलाक कलाक होने पे ताँ किया था तमाम जरूरत की पहलन। अल्लाह जो शुक्र है सुठा हलन प्या। अच्छा अदा इन दफे तमाम थादल में ना सिखारी है वो सिखारी ना सा थादल सिखारन दम एक बड़ी में आए थादल जी भी रेसिपी। हाँ तो सुबह खट्टा आलू चाहिए ना तमाम? हाँ सुबह ने खट्टा आलू जरूर जरूर लाई खाएं जो ना खारा दर वगैरह में लाई मिलता हो। हाँ हिते धोराजी में भी मिलंदा इन। हाँ तो वो दोराजी वाला था कि वरन कोनो पे बायरन दे मसाला लेके होना है। हाँ ना ना दोराजी से सुठा होना माता विंदो है भाई फैमिली सा खाएं। हाँ तो वो मुंह कदे कोन खाता है बाकी ऐसा ही बरसा मेहमान रहना वो पचाई दा खबर है। दोराजी जा जिक गोला गंडो है ना दोराजी जो हाँ, वो हाँ, भी मिनरल वाटर का वो ठाइंदा है असा विंदा है काफी मानु हुंदा है होते कच्चे उनका नथा ठाइन दोराजी में साफ सुथरो मिले। बड़ी वधी के सुठी गालम ने जे ता जिंस वाइज लई सके सही से खायो ता ने असा ने इन में जोर में कोले वाले के नसा के वो टेस्ट नकी मिले जे के तमा चाइनीज वीक में सा सब कुछ सिखा रहे हो। तो वो पांजे ऐसे जी वधी के सुठी अजे ता एडी इजी वे में सिखारी दाउ न त इने जे कर चाहू के ता जी रेसिपी सा कोई ना घर में हर शे सस्ती और इजीली ठई थी बने ही भी सुठी गाल। हां सही है ता ठीक है ता। हेलो ठीक है पयो ख्याल रख जदी को फरमाइश है ता बताए जो पूरे पट्टी पे आपने अंडा लगाना है, सजी पट्टी पे बेदो लगाना है, ठीक है। इनके ये रखो मिर्च के मथा आहिस्ता आहिस्ता इनके रोल कयो, फाटे ना पट्टी ख्याल कजो, ठीक है। पट्टी फटे ना टूटे ना,
पीसेस ना हो, इस तरह आपने इसको कवर करना है, कवर करके इस तरह रख दें, ठीक है। मसाला जहाँ पे कट लगा हुआ है कोशिश करें कि पट्टी हम उस पर लगाएं ताकि मसाला फिलिंग बाहर ना आए। अगेन ब्रश से करें या हाथ से करें, इस तरह अच्छी तरह कोट करें अंडे से। जब इसको फ्राई करेंगे ऊपर से क्रंची पापड़ी की तरह रोल होगा और अंदर से मिर्ची होगी, स्टफ बहुत मज़े का ये बनता है। पहले ही मैंने बनाना सिखा यहाँ पे लाइव रमज़ान में, लास्ट ईयर भी बनाई थी, तो मैं दोबारा रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि बहुत सारे नए व्यूवर्स हैं तो वो लोग देखें ये चीज़, ठीक है। कवर इस तरह करना है कि जो मिर्ची की फिलिंग है वो बाहर ना आए, ठीक है, वो आउट ना हो उससे। इन तरीके से सजियों समोसा पट्टियों पट्टियों तक मैं ठाहिण सिखाई छियूँ जी नथियों मिलन घर में मानी का ठाओ सॉरी मानी उठाओ मैदे जो पतलियों पतलियों जैसे तरीके से मैं बुधा उन्हीं तरीके से करी तुम रोल कर सको था, ठीक है। ऑयल गरम थे उनके फ्राई क्यों था उनका दही फुल्किन से अचूँ था। दही फुल्के तमाम ईजी एंड रायते से गठी मज़ेदार हूँ मतलब थोड़ा सो दाग डी वो भी ढी सुठी। दही जो इस्तेमाल कहता क्यों दही जी रेसिपीज ठाईंदा क्यों दही जो फ्रूट चाट भी है फ्रूट योगर्ट है मैंगो योगर्ट है सब हाँ विच में ठाईंदा अंब भी अची वह इन तरीके से काफ़ी सुठी थदियों थदियों रेसिपीज जन मिठा भी ठाईंदी आइसक्रीम्स एक बार रहू मैं सोचा पे वो भी रमज़ान में कंप्लीट करी वूँ ताकि रमज़ान में सुठी लगन आइसक्रीम्स या रोज़े का मू खाई रात में। ऑयल इतने गरम थे पो ब मिंट का पोहन में अस मिर्च फ्राई करना शुरू करूँ था, ठीक है। इस तरह आपने अच्छी तरह कवर करना है जो मसाले का सेंटर है वो, ठीक है। हाँ मैंगो जो माँ कल ठायो हो उनको ड्रिंक ठाई हुई आम का पन्ना, ठीक है, उनकी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। तुम कि उन असंके अंबड़ियों खड़ी हुई टे अदद, ठीक है, खल से गड उनके बॉयल कर छोड़ो टे अदद अंबड़ियों के कवर करे डीप करे पानी में बॉयल कर छोड़ो 15 मिनट कवर करे कंदो तो जल्दी बॉयल थी उनके कढ़ी उनके छिलको लाई उनको गूदो कढ़ी वो, ठीक है, तक 1.5 कप गूदो निकली, ठीक है। वो तुम जूसर मशीन में विझो 1 कप बर्फ विझो उन गड 2 गिलास या 2.5 गिलास थदो पानी, ठीक है, वो विझो कारो लूण उनमें विझो 1 चाय जो चमचे का थोड़ा घट खंड 6 का 8 खाने जो चमचा विझो, ठीक है। 0 भुनियल कुटियल अद चाय जो चमचो विझी उनके चंगी तरह ब्लेंड कदो 5-10 मिनट ब्लेंड करने का उनके कढ़ी सर्व करी वो मैंगो आम का पन्ना हो तैयार थी। कॉल वो था अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल है? हाँ गर्मी बहुत है लेकिन ये भी एक एंजॉयमेंट ही है गर्मी में रोजा रखना। यही तो है असल में, तो जो हमें बर्दाश्त है ना वो रोजा बर्दाश्त ही सिखाता है। सही बात है। और वो खैर खिड़कियाँ वगैरह तो बंद करके बैठे हैं लेकिन गर्म जो है ना लू जैसी है और जिसम पता नहीं कैसा फटा पड़ा सा लग रहा है। हाँ ये आज भी होगा, ये कल तक चलेगा ना, फ्राइडे तक कह रहे हैं खत्म हो जाएगा। तो यकीन करें फैसल, सिर्फ जो है ना मतलब अफतारी तो बनाई थी लेकिन वो लस्सी बनाई थी मैंने अफतारी में, ड्रिंक तो उससे जरा बहुत बेहतर हो गया था। और ये कि बस ये लोगों से यही है कि बस आप जो है ना पानी का इस्तेमाल दूध का और उसका जरूर रखें। पता है मैं घर जाता हूँ ना अफतारी, हालांकि मैं रोजा होता है, मैं घर जाता हूँ इतनी सारी चीजें बनी होती, मैं सिर्फ क्या खाता हूँ तरबूज। हाँ बिल्कुल तरबूज, ये ड्राई फ्रूट चाट वगैरह ये रोल वगैरह हर चीज बना के वाइफ रखती है, मैं नहीं खाता, मैं अच्छा नहीं लगता, बस सिर्फ तरबूज और शरबत या पानी। बिल्कुल पिया जा रहा है, वाकई में आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये चीजें तो अच्छी लगती है, यकीन करें मैं सिर्फ अपनी बच्ची के लिए वो बना रही हूँ पिज्जा, क्योंकि वो नहीं खा रही कुछ भी। बिल्कुल, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसके लिए बना देती हूँ क्योंकि मेरा तो बस ऐसा ही है, मैं तो खैर नहीं खाती ये पिज्जा वगैरह, लेकिन ये क्या जो भी करें वो दूध का इस्तेमाल जरूर रखें सेहरी पर। बिल्कुल, और दूध का इस्तेमाल, और इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि बच्चों को बार बार पानी और जूस या शरबत बना के दे, क्यों हम तो अगर रोजा रख रहे हैं तो बच्चे तो नहीं रखते, उनका भी ख्याल रखें ना, बार बार उनको पानी देते रहे बहुत ज्यादा। आज आपने इतना अच्छा बनाया था पन्ना, अभी शरबत बनाया ना कल? हाँ कल बनाया आपने, मैंने प्रोग्राम आपका लेकिन वो कॉल नहीं लग सकी थी मेरी कल। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है वो, तो खैर बहुत ही अच्छा मजे का बनता है। और दूध का शरबत वो बनाया था आपने बादामी? हाँ हाँ बनाया था आपने। हाँ वो तो मैं बनाती रहती हूँ, बहुत अच्छी, इसकी तासीर बहुत ठंडी है, ठंडी है, इलायची के साथ आप बनाते हैं ना, ठंडी है बिल्कुल, बहुत अच्छा शरबत है वो, खैर बहुत मजे का बनता है वो। जी जी चले और अपना काम करें। अच्छा आपकी रेसिपी, आपकी रेसिपी भी आजकल मैं बनाने वाला हूँ ना वो तरबूज की, बनाए वो बहुत अच्छी रेसिपी, कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, कल कोशिश करूंगा, कल बनाऊंगा खट्टे आलू के साथ ना तरबूज का जो आपने बताया, बहुत मजे की लगा। जी जी घर में भी ट्राई करूंगा। पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये फ्राई हो रही है, ठीक है,
और हाँ जैसे लू है या प्यास से बचने के लिए जैसे मैंने दही की टिप बताई थी कि पानी पीने से पहले आप दही 2 चम्मच या 1 टेबल स्पून खा के फिर आखिर में पानी पी लें। इसके साथ एक और टिप है बहुत अच्छी जो मेरे फैमिली में यूज़ होती है, ये कि दूध ठंडा दूध है उसमें इलायची का पाउडर थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से भी कम 2 से 3 पिंच इलायची का पाउडर डाल के उसको आप पिए, उससे क्या होगा आपको दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। इलायची की तासीर ठंडी होती है, इलायची का पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा 4-5 इलायचियाँ कूट के डाल लें ठंडे दूध में, वो रात को पी लें सहरी के टाइम, ज़रूर ये करें। और बच्चों को भी दें 1 कप, ठीक है 1 कप थदो खीर, ये नॉर्मल खीर पीएं गर्म ना हो जाए, उनमें नंढे फोटन जो पाउडर विझी थोड़ो सो चुटकिन जो 2-3 फोटन जो पाउडर विझी उनके तव्हां पीअंदो, रोज़ सहरी में पियो या ॾही खाओ, उनखां छा थींदो आहे ॾींहुं सुठो गुज़रंदो, रोज़ो न लॻंदो। तव्हांखे अजमाई ॾिसो, मुंहिंजो अजमायल आहे, छाकाणि त मां हिते किचन में बि कमु कयां पियो, अचां बि पियो, पर हिते त AC लॻल आहे, ख़बर नथी पए, लेकिन पोइ बि ॻाल्हाइण खां त उहो थिए थो न, मां 1 कलाकु पूरो ॻाल्हाईंदो आहियां। त हिन करे शुरू वारे ॾींहुं मूंखे लॻो ॾाढो मुंहिंजी हलक ख़ुश पियो थियो, हाणे न पियो लॻे, जंहिं मां पहिरें ॾींहुं चयो बि मूंखे रोज़ो लॻे पियो, अॼु अलाह जो शुक्र आहे हाणे न पियो लॻे। त मां 1 कप खीर ज़रूरु पीअंदो आहियां, थोरो इलायची जो पाउडर विझी मिक्स करे आख़िर में पी वठंदा, पोइ बाद में थोरी अज़ान खां पहिरीं पाणी पी वठंदा, की हिन खां छा थींदो आहे तव्हांजो ॾींहुं सुठो गुज़रंदो। करे ॾिसिजो या आज़माए ॾिसिजो इहे शयूं जेको मां ॿुधायां पियो। मिर्ची रोल बनाने के लिए जो इसको हम डीप फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि मिर्च मोटी होती है, ये फ्राई होने में थोड़ा टाइम लेती है। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, पानी बॉयल करने रखते हैं, ये पासे पानी बॉयल कर रखा तो जिनमें मैं दही फुल्की विझी इनके कढंदासी। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। अदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, दी केरे किथा गलायो पिया? अदा आ सभी नहीं गलाया पई दोबारा। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ चेंज चाहिदो? जी अदा ता मुके बताया तो मिंगो जूस मतलब ओदी मल चाहे तो ओदी मल पियो, ठीक है जी। यदि ताम ने बुदाया ना जूस जगह खाए ओदी मल ही पे मना पी लायो। केडो जूस सही ये ता मैंगो जूस बुदायो ना? हां हां ता कॉल कई भी ना। हां सही है छा? जी जी हां जी। ता यो ना जो स्टोरी कर कर। अच्छा अच्छा, मैंगो स्क्वैश जो को ठायो रमजान का पेरी? जी जी ठीक है ठीक है बेटा, मां हाणी बुदाई तो ता, ठीक है ता ठीक है तो ओके अल्लाह हाफिज। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पलटाते रहें, पापड़ी जो है इसकी कोटिंग है कवर जो किया हुआ है वो भी ब्राउन हो जाए और मिर्च भी आपके चारों तरफ से फ्राई हो जाए, ठीक है कलर चेंज हो जाए मिर्चों का, इस तरह जैसे रोल को हम घुमाते जाते हैं उस तरह। अच्छा मैंगो स्क्वैश जो मैं ठाण सिखा रही हूँ तुम्हें, उन्हें लाइ तुम खण 2 किलो अंबड़ियों, ठीक है 2 किलो केरी खणजो, खल से गड भी बॉयल कर सको था बगैर खल, पतली पतलियों की खल लाई गुठली से गड उनके बॉयल कर छो, तकरीबन 6 गिलास पानी से गड हल्की बाह से मीडियम फ्लेम से कवर कर बॉयल कर, पानी घाटी थी वी गरी वी उनकी गुठलियों हटाई छो, ठीक है या गुठली के बगैर कर छो, उनका उनके जूसर मशीन में विझी पानी 1 गिलास पानी विझी वरी उनके ब्लेंड कर छो, ठीक है जूसर मशीन में विझी जो पेस्ट ठाई छो, उन पेस्ट के वापस पतीले में विझो, ठीक है साफ पतीले में विझो, उन सा गड तव्हां विझंदो 1/2 किलो खंडु, ठीकु आहे 2 किलो अंबड़ियुनि जूं खखड़ियूं हटाईंदो, खल हटाईंदो त 1.5 किलो तक़रीबन रहिजी वेंदी, त सॉरी 3 पाउ खंडु कजो, ठीकु आहे 3 पाउ खंडु विझिजो, पूरो मापे हुनजे अंदरि खंडु विझी छॾिजो, खंडु विझी ऐं 1 गिलास पाणी सां गॾु हुनखे ब्लेंड करे उहो विझिजो जी। अच्छा ब्रेक जो टाइम थियो, जेसिताईं मां हिनखे फ्राई कयां त पूरी रेसिपी कंटिन्यू कंदासीं, ब्रेक खां पोइ अची तव्हांखे मैंगो स्क्वैश जी रेसिपी रिपीट करायां थी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते हुन खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको मां रोल ठाहिया उहो असांजा तयारु अची वई स्क्रीन ते, काई ॻाल्हि न काई ॻाल्हि न लाइव आहे। अच्छा हिते मां रोल फ्राई करे छॾियो मिर्ची रोल, ठीकु है और यहाँ पे ये पानी बॉयल हो रहा है, इसमें हम डालेंगे दही फुल्कियाँ, ठीक है फुल्कियाँ मेरे पास कितनी पड़ी, दूध में गिर गई, फुल्कियाँ मेरे पास कितनी पड़ी हैं 2 कप जितनी, ये डाल दें, ठीक है 2 कप फुल्कियों के अंदर विझी, सिर्फ 2 मिंट इनके बॉयल कंदासी, 2 मिंट का पॉइंट के कढ़ी वठजो, ठीक है 2 मिनट इसको सिर्फ बॉयल करना है, 2 मिनट बाद आपने इसको निकाल देना है, इस तरह बॉयल पानी में डाला, अब चूल्हा बंद कर दें, जब इसमें बॉयलिंग आ गई पानी में ये डाल के चूल्हा बंद कर दें, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है मिर्ची रोल असाए तैयार थी, मैंने मिर्ची रोल कटा तो। अच्छा मैं बता रहा था केरी का जो आपने स्क्वैश केरी जो जो शरबत तुम चाहिए मुख्य उन 2 किलो तुम अंबड़ियों खणंदो, ठीक है
उन में उनके जड़े बॉयल करे उनकी खलल आई उनके चंगी तरह एक गिलास पानी से गड ब्लेंड करे पेस्ट ठाई छो थोड़ो पानी उनजो पांजो भी होंदो उनके वापस विझो पतीले में उनमें टे पा खंड विझो ठीक है अगर इलाही घाटो लगे तो उनमें वरी एक कप पानी विझी छो ठीक है उनके पचाजो उनमें बॉयलिंग इंदी जडे खंड गरी वेंदी खत्म थी वेंदी तो वो स्क्वैश वगर जडे तांजो तैयार थींदो उनमें कारो लूण विझो एक चाय जो चमचो ठीक है कारो लूण विझो एक चाय जो चमचो अगर जर्दे जो रंग तां विझण चाहियो था तो थोड़ो अध चाय जो चमचो विझो अदरवाइज जरूरत न थी हुजे ठीक है सिर्फ कलर डेल नेचुरल कलर भी सुठो लगन उनके लाई थदो कजो सफा रूम टेम्परेचर से जडे थदो थी वने लीमे जो रस उनमें चार खाने जा चमचा लीमे जो रस विझो ठीक है जडे सफा थदो थी वने चार खाने जा चमचा लीमे जो रस विझी मिक्स कजो मिक्स करे पो बोतल में भरे या वे प्याले में फ्रिज में रखी छो जडे तांके ठाइण हुजे त एक गिलास के हिसाब से बुधाएं पो कि अध कप जितो विझो पंज खाने जा चमचा एक गिलास में छह खाने जा चमचा विझी पानी थदो बर्फ विझी उनके ब्लेंड कर छो मिक्स कर सर्व कजो अगर जग में ठा पा तो जग में ब कप जितो विझो ठीक है ब कप पल्प विझी उनमें चार का पंज गिलास पानी जितो अचे तो विझी चंगी तरह उनके मिक्स कजो बर्फ विझी उनके सर्व कजो गर्मी लाए ढो जबरदस्त है आई खास कर जी लू हले पी हर कराची में तो इन सीजन में ही ढो जबरदस्त है ठीक है ये थी वह असा मिर्ची रोल तैयार ठीक है देखें कितने ज़बरदस्त हैं ये इसकी चटनियाँ मैंने आपको बनाना सिखा दी इसलिए आज मैंने चटनी बनाई जो भी चटनी आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं खट्टी मीठी चटनी स्पाइसी चटनी जो आपको अच्छी लगे आप उसके साथ ये मिर्ची रोल सर्व करें ठीक है ये असो थी मिर्ची रोल फुल्कियों भी असाई तैयार थी उनके भी असान डिश आउट क्यों था ठीक है ये मिर्ची रोल हो गया अब जो फुल्की बनाई थी इसको भी निकाल देते हैं एक प्लेटर में ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए अच्छी तरह छान के इसका पानी निकल जाए ठीक है ये भी बिल्कुल आसान है इन फुल्कियों पानी जो कढ़ी बस मैं घट ठाया पे कप काफ़ी होंदियन छो कि ज़्यादा ज़ाया थी थी वन तेज हिसाब से ठाया ये भी तक चार का पंज मू आराम से खाई सकन था जी क्वांटिटी है ठीक है इन कर ज़ाया न कह कोई अड़ी शह दही में पई पई सफ़ा फुलजी वी अजीब सी थी बे ढी को न खाई मू इन कर बस एतरी ब कप जी ठाकुन इन लाइन असं कहसी साओ मसालो ठाईंदी पुदनो खड़ी एक कप का थोड़ा घट नंढी गठी है तो अद खी वो वही है तो उनमें थोड़ा घट खो ठीक है हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा पुदीना जैसे बड़ी गट्ठी है तो उसमें से हाफ कप जितना निकाल दें हसबे ज़रूरत नहीं तो छोटी है तो फिर आधी गट्ठी लेने पुदीना पुदीने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है बहुत ही फ्रेश लग रहा है इसी जितना हमने हरा धनिया लेना है ठीक है इतना ही सावा धाना एक अदद हरी मिर्च तेज़ वाली हरी मिर्च फीकी हो तो दो कर लें एक अदद साओ मिर्च अगर फीकी आए तो खड़ी मिर्च साई मिर्च ठीक है ये विझी छो अच्छा जूसर मशीन में ब्लेंडर में असा इनके चटनी वगैरह जो पेस्ट ठाईंदी इसको रखते हैं यहाँ पे ये बनेगा रायता जैसे हम सादा रायता बनाते उसी तरह ठीक है हरी मिर्च हाफ गट्ठी यानी एक दोनों मिला के डेढ़ कप जितना पुदीना और हरा धनिया जी लहसन जो पेस्ट या एक घणी थूम की पीसे वे छो थूम जो पेस्ट विधो है क्वार्टर टी स्पून ठीक है इन से अगर इनमें वो अछो जीरो एक चाय जो चमचो ठीक है बस ये शे विझी थोड़ी दही बल्कि पानी से अगर इन जो पेस्ट ठाई था वो बिल्कुल थोड़ो गाढ़ा सा ये चटनी बन जाएगी चंगी तरह इनके पीसे छो थी वो ठीक है अध गठी सावा धाना अध गठी पुदनो एक का ब सावा मिर्च आई वो प्यालो हाँ हो वो प्यालो तो खड़ू था प्याले में ही रायतो ठंड ब अध सावा मिर्च एक अद साओ मिर्च ये पीसे छो ठीक है अध गठी हरा धनिया अध गठी पुदीना एक से दो अदद हरी मिर्च आपने डाल के पीस लेनी है इसके बाद आपने क्या करना है इसको निकाल के दही मिला देनी है इसमें दही कितनी है डेढ़ पाव और सफ़ेद ज़ीरा सॉरी अच्छो जीरो भी विदो ठीक है डेढ़ पा दही थोड़ो सो खीर विझंदी इनमें अध कप पानी का न कजो बस खीर से गड इनके फेटे छो ठीक है आधा कप दूध चला गया लूण वो इनमें अध चाय के चमचे का घट हसबे ज़रूरत जी अस लूण जो एड कर जायको ठीक है हसबे ज़रूरत आपने नमक डाल देना
यहाँ पे हमने करना है भगार। इसके लिए छोटी कढ़ाई ले लेते हैं, ठीक है। ऑयल उसी में से मैं कढ़ाई से ले रहा हूँ जो मैंने यूज़ किया। कितना ऑयल लेना है हमने? 4 खाने के चम्मच, 1, 2, 3, 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया, ठीक है। गरम ऑयल 4 टेबल स्पून। हे मथा दाग ठंडो हिन में भी जंदा से लौंगी मिर्च 4 अदद साबित लाल मिर्च, ठीक है। इसका आ जाएगा कलर जब ये जलने लगेंगी। बिल्कुल इजी है रेसिपी। ऊपर से भगार बनेगा, नमक भी हटा देते हैं, लहसुन भी हटा देते हैं, ठीक है। इजी है रेसिपी, तमाम मज़ेदार ही रेसिपी ठंडी। हाँ छंदी ये जो रायतो ठा है यो हमें विझासी प्लेटर में, आधा डाल दें। फिर ये जो फुल्की हमने निकाली थी पानी से, सॉरी बॉयल की थी, ये डाल दी। इसके ऊपर फिर आपने ये डाल देना, ठीक है। थोड़ा पतला करके बनाएंगे, बहुत मज़े का बनता है, जैसे हैदराबादी स्टाइल का होता है, पतला ही अच्छा लगता है, ठीक है। रायता डाल दिया इसमें, ये जैसे जलने लगेंगी मिर्चें काली हो जाएं, फिर इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा अना इनके थोड़ा सड़ंदासी, जितो ही सड़न दूँ एतरो जो सुठो जायको इंदो, ठीक है। दही बड़ा मसाला जो मैंने आपको कल बनाना सिखाया था वो, या चाट मसाला जो मैंने बनाना सिखाया था जी, नहीं वो नहीं, वो वाली नहीं है, ये वो हैदराबादी है, इसमें नहीं होगा। हाँ हाँ घोड़े थे भाई ना, इकड़ो घोड़ो घुराए दे खालिद बा। इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच चला गया, ठीक है। भगार बन गया, अच्छो ज़ीरो 1 चाय जो चमचो विधो। हे दाग इंजे मथा चियो ना सबर, भगार बन गया, ठीक है। इसको आप कर दें मिक्स भगार को, ताकि इसके अंदर खुशबू दही के अंदर बैठ जाए, ठीक है। भगार इसके अंदर मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर डालना है मसाला, जो दही बड़ा मसाला है या चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जितना ये डाल के, और फिर इसको मिक्स ना करें ऊपर से, पहले रायता डाल के मिक्स करें, फिर भगार डाल के मिक्स करें, फिर ऊपर से आपने करना। अब आप जा सकते हैं। अब मैं ये वहाँ पर लेके चलता हूँ सेट पर, ठीक है। मज़ेदार ये भगार वाली जो रायते वाली दही फुल्की, ये ढी मज़े की ठंडी, इनके ज़रूर तुम ट्राई कजो। हैदराबादी दही फुल्की ठंडी है, वो भी इनशाला एक बे दिन में तक ठाने सिखा, उन तरीक़ेकार डिफरेंट है, वो भी ढी मज़े की ठंडी है, ठीक है। ये हो गई हमारी दही फुल्की रायते वाली, ठीक है। पतला करके बनाएं, जब आप इसको खाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कितनी मज़े की। और इसके साथ ये हो गई हमारी मिर्चें, स्टफ चिली, ठीक है। ये दोनों रेसिपीज आज की, सुबह 12 बजे रिपीट चलेगा, 12 है ना, 12 से 1 रिपीट चलेगा, ठीक है। ज़रूर देखिएगा रिपीट में कोई चीज़ मिस हो गई हो, कुकिंग विद शेफ फैसल मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। कल देखिएगा खट्टे आलू बनाएंगे, उसके साथ मैं कोशिश करूँगा थादल कली बना दूँ, क्योंकि फरमाइश आ रही है, और 1-2 और कोई लाइट सी रेसिपी बनाएंगे। और बहुत सारी वैरायटी है जो अगर आप अपनी भेजना चाहें, और हाँ फरजाना शाकिर ने जो तरबूज की चाट भेजी थी वो भी मैं कोशिश करूँगा कल ही बना दूँ, ठीक है। तो ये रेसिपीज़ नोट कीजिएगा, सुबह 12 बजे रिपीट चलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। सुबह जो 12 बजे रिपीट हल्द 12 का 1 जरूर ऐसो काश मिस थी वही तुम उतनी सोता, लाइट जो भी इशू अजक लगो पे है। आई सुबाणी की रेसिपी ऐसो ढी मज़ेदार होंगी, इनके जरूर ट्राई कजो। मुझे पेज है कुकिंग विद शेफ फैसल, उतरे रेसिपी अपलोड थी वी। वीडियो ऐसा ला सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब से सर्च कौ, सब्सक्राइब कौ, तो मुझी रेसिपीज तक मिली वी सजी 6 महीन का उतने अपलोड थे। खोड़ सारो ख्याल रखो, इनशाला सुबह वही मुलाकात थी, तेस तीन अल्लाह हाफिज़। Thank you.